देखती आंखों सुनते कानों को एहसन अली का सलाम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले व्यूअर्स खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक टॉपिक लेके आया हूँ कि आप जो है ना आटे का कारोबार करें और एक एस्टिमेटेड 1.25 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक का महीना कमाएं। ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा, मैं आपको एस्टिमेट सारा तैयार करके भी दूंगा कि आप कैसे जो है ना आटे का कारोबार करके तकरीबन आप 5-4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कैसे जो है ना इतनी आमदन बना सकते हैं। आपके पास एक सुजुकी होनी चाहिए, उसके लिए सुजुकी या सुजुकी लाजमी है। तो मैं आज आपको थोड़ी सी डिटेल समझाता हूँ कॉपी पेंसिल पे। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि एक दुकानदार है, एक एरिया है, कोई भी एरिया आप लगा लें ठीक है, उसमें 60 दुकानें हैं। एक आपको अंदाजन बता रहा हूँ कि उस एरिया में 60 दुकानें हैं, तो उसमें से जो आटे वाला सेलमैन है उसके पास 40 दुकानें हैं ठीक है। तो उसने हर रोज़ाना जो है ना रोज़ाना या एक दिन छोड़ के 40 दुकानों पे जाना होता है। उसके पास तकरीबन 7 एरिया होते हैं, एक दिन छोड़ के भी जा सकते हैं, रोज़ाना भी जा सकते हैं, क्योंकि आटा ऐसी चीज़ है, ये रुकने वाली नहीं है। एक दुकान इसने लिए हैं एस्टिमेटेड कोई 14 तोड़े ठीक है। एक होता है लाल आटा और एक होता है सफ़ेद वाइट। तो इसने लाल आटे के लिए हैं, एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, 4 तोड़े और सफ़ेद आटे के लिए हैं 10 तोड़े। तो टोटल एक दुकानदार ने कितने तोड़े लिए? 14 तोड़े। आपको एक एस्टिमेट बना के दिखा रहा हूँ कि आटे वाले किस तरह जो है ना वो इनकम कमाते हैं। फिर दूसरे दुकानदार ने लिए 3 तोड़े, ये ले लिए 6 तोड़े, ये ले लिए होगा टोटल 9 तोड़े। तो तीसरे दुकानदार ने, जो अच्छे दुकानदार हैं ना, कई दुकानदार ज़्यादा मिलते हैं, जैसे इसने 12 ये ले लिए और 18 ले लिए सफ़ेद दारे के तोड़े, टोटल हो गए 30 तोड़े। जिनकी रनिंग ज़्यादा होती है वो ज़्यादा भी लेते हैं। अगर आप होलसेलर टच करते हो, एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल एक नीचे बना देता हूँ होलसेलर की, कि आपको अगर आटे के थैले में से बच रहे हैं ना 20 रुपये थैला, तो होलसेलर को आप 5 रुपये थैला या 8 रुपये थैला भी रख के दे सकते हो। वो कैसे? 8 रुपये थैला, उसको होलसेलर को आपने देना है 200 तोड़ा ये वाला देना है ठीक हो गया, 150 तोड़ा ये वाला देना है ठीक है। 8 रुपये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर दें एस्टिमेटेड, ये देखें कैलकुलेटर, 8 ज़रबे 350 तोड़े, 2800 रुपये उसको बच गया सिर्फ होलसेलर से एक दिन के अंदर अंदर ठीक हो गया। और अगर ये रिटेल करता है, आपको एस्टिमेट कर देता हूँ कि जो है ना ये 3, 6, 9, 12, 15, 40 एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, 30 तोड़े ये लेता है, 20 कोई और दुकानदार लेता है, 8 कोई और दुकानदार लेता है, 16 कोई और लेता है, 26 कोई और लेता है, इस तरह टोटल करते करते एक दिन के अंदर अगर वो 300 से 350 तोड़ा थैला आटे का सेल कर लेता है जो सुजुकी वाला है, तो आप ये अंदाज़ा लगा लो उसको अगर 20 रुपये तोड़ा बच रहे हैं। आपको एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, और 20 ज़रबे 300, अभी ये कितना हो गया ये देखें, 20 × 300 तोड़ा 6000 रुपये उसको बच गया एक दिन के अंदर। इनकी आमदन 6000 से ऊपर भी जो है ना जा सकती है। मैं खुद सेलमैन हूँ, मैं भी आप लोगों को पता हो तो क्या नाम है, मैं एक दुकान पे बुकिंग करने गया, उसने जो मैं उससे आर्डर ले रहा था, तो उसने मुझे जो है साथ ही आटे वाला आ गया, तो उसने कहा हसन भाई 2 मिनट, तो आटे वाले के पास गया, मेरे पास उसकी वीडियो भी है, मैं अपने लेफ्ट या राइट वो वीडियो चला दूंगा, म्यूट करके आप देख लीजिएगा। मैं साइड पे खड़ा हो गया और छुपके से उसकी वीडियो बना ली बड़े तरीके से। उसने मेरे सामने 14 तोड़े आटे के करवाए हैं, पख्तून दुकानदार था और एक छोटी सी गली में दुकान थी, मेन पे नहीं, अगर मेन पे होती तो मे भी वो जो है ना वो 25-30 तोड़े उतरवाता, तो 16 तोड़े उसने उतरवाए हैं मेरे ख्याल से 15। आप हिसाब लगा लो, 20 रुपये तोड़ा गाड़ी वाले को बचा, 20 ज़रबे आप 16 कर दो, 320 रुपये वो एक दुकान से गाड़ी ले गए ठीक हो गया। और एक एरिया में अगर 40 दुकानें, ये 30 दुकानें उसकी लगी हुई हैं, तो आप ये हिसाब लगाओ उसकी आमदन कहाँ से कहाँ जा रही है। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ, फिर आपको नीचे लेके जाता हूँ कि तकरीबन आप 1.5 से 2.5 लाख रुपये महीना सोचे आटे से कैसे कमाएं। जिस टाइम मेरी शॉप थी ना, मेरे पास भी एक आटे वाला आता था, वो अभी भी एरिया में है, तकरीबन 6-7 साल हो गए उसको काम करते हुए। तो उसने मुझे थोड़ी सी बात बताई थी कि आटे का जब रेट बढ़ने लगता है ना, तो जो सेलमैन होते हैं आटे के, आटे का जो काम करते होते हैं, वो तकरीबन 1000 तोड़ा 800-700 तोड़ा उतरवा लेते हैं अपने गोदाम में या जहाँ भी उनके पास मसाइल हो, 700-800 तोड़ा उतार के। अगर आटे के से पहले वो 20 रुपये तोड़ा कमा रहे थे ठीक हो गया, अब
वो आराम से 50 से 60, 60 से 70 रुपये तोड़ा भी कमा सकते हैं अगर उनको कहीं से पुराना रेट मिल जाए और जो है ना नया रेट मार्केट में आ चुका हो तो वो इस तरह भी कमाते हैं। लेकिन इससे सेल्स का काम ऐसा है, इसमें चक्के लगते हैं और वो बताते नहीं हैं, तो वो फिर अच्छी भली आमदन की क्रिएट होती है। बस आपके पास एक सुजुकी होनी चाहिए। अब कैमरा मैन साहब थोड़ा सा नीचे आ जाइए। ये एक दिन में 6,000 रुपये कमा लिए, ठीक है। अगर आप 2,800 रुपये जो होलसेलर वाला मैंने वो भी ऐड कर लो, होलसेलर के पास हफ्ते में एक दफ़ा या हफ्ते में दो दफ़ा चक्कर लगते हैं, तो एक महीने में होते हैं 4। और इसको बचप एस्टिमेट कर रहा हूँ मैं आपको, एस्टिमेटेड 2,500 ज़रबे 4 हफ्ते, हफ्ते में दो चक्कर लगाओ तो 8-20,000 रुपया इसको दे गया खाली होलसेलर मंथली, ये मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ। HS दे गया 20,000, ठीक हो गया। अब ये रिटेल कर रहा है, किसी टाइम 300 तोड़े की भी सेल होती है, किसी टाइम 250 की भी होती है, किसी टाइम 400 की भी हो जाती है। मैं आपको एस्टिमेट लगा के दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कारोबार में आमदन कितनी है। और ये कारोबार रुकने वाला नहीं है, जंग लग रही हो, जो कुछ मर्जी हो रहा हो, आटे का काम चलता ही रहेगा। और जनरल स्टोर जब तक खुले रहेंगे आटे का काम चलता ही रहेगा, जनरल स्टोर कभी बंद होते नहीं है, आपको पता होगा। तो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ जी, 15 रुपये बंदे ने एक तोड़ा रखा, एक तोरे के ऊपर एक बंदे ने, तो उसने अपना टारगेट रखा कि मैं रोज़ का 400 तोड़ा सेल करके जाऊँगा। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 400, ये भी तकरीबन 6,000 रुपये ही बनता है। तो 15 से 20 रुपये ईजीली बच जाते, 20 ज़रबे 400, 8,000, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, इसमें छुट्टी भी कोई नहीं है, और काम करना कितना का है, सुबह 8 बजे से लेके 10-11 बजे तक, बस उसके बाद मौजें ही मौजें। कि सुबह सुबह लोग सोए होंगे, आपने 5-5, 7-8, 8-10 हज़ार रुपये की दिहाड़ डाली होगी। तो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट 7,000 रुपये कर ले। ये एस्टिमेटेड सारी डिटेल आपको दे रहा हूँ। अपने कारोबार में आमदन ऊपर नीचे होती रहती है, सेल्स आगे पीछे होती रहती हैं, आपको पता होगा। मल्टीप्लाई बाय 30 दिन होते हैं, ये आप देख लो ये कितना आमदन आ रही है एक महीने की, 2,00,000 रुपया। अगर रज के बंदा, मेरे शुरू में मुश्किल लाजमी आएंगी आटे के काम करते हुए, आपको पता है शुरू में मुश्किलात लाजमी आती हैं हर काम के शुरू में। तो अगर आप खड़े हो जाते हो मार्केट में कि जो है ना 2 महीने 3 महीने 4 महीने मेहनत करके, तो आपकी आमदन, ये अब मैंने आपके सामने एस्टिमेट लगा दिया है, कारोबार भी वो बताया है जो कभी भी ख़त्म ना होगा। अगर यही आटे का काम आप साथ तंदूर वाले के साथ भी करो ना, तो तंदूर वाले के जो आटे की जो बोड़ी होती है तकरीबन 80 किलो की या पता नहीं 85 किलो की होती है एस्टिमेटेड, तो उसमें आपको 500 से 700 रुपया बोरी पे आराम से बच जाता है, आराम से। वो उसके लिए आपको थोड़ी सी डिटेल चाहिए होती है कि आटा कहाँ से मिलता है, आटा थोड़ा सा पहुँच दूर तक ले जानी पड़ती है, दूर तक कैसे ले जानी पड़ती है। एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, एक है होलसेलर, ठीक हो गया। होलसेलर किससे ले रहा है, कंपनी से, कंपनी के आर्डर बुकर और सेलमैन के थ्रू। और अगर वो होलसेलर कंपनी के आर्डर बुकर और सेलमैन को बीच में से निकाल देगा, डायरेक्ट कंपनी के एसओ के साथ हो जाएगा, तो उसको और रेट मिलेगा। अगर वो कंपनी के एसओ को भी निकाल के डायरेक्ट TSO आई थिंक सो होता है कि जो भी होता है उसके साथ हो जाए, तो फिर उसको और रेट मिलेगा, जिसको इनवॉइस रेट पता होता है कि माल किस रेट पे आ रहा है। एग्जांपल के तौर पे कई कंपनियों को जो है ना, जैसे PNG की बात कर लें, जो मुझे मालूम है PNG को आता है 4% पे, और उसके साथ 4% के साथ स्कीमें हर अलग होती हैं। किसी टाइम फॉर एग्जांपल एक Blue 3 का कार्टन है, उसके साथ जो है ना वो 5 पीस फ्री होते हैं, या किसी टाइम होता है कि इतने का माल लो आपको इतना फ्री होता है। इस तरह कंपनी को स्कीमें, कंपनी स्कीमें देती रहती हैं। तो मेरा जो मकसद था वीडियो बनाने का, वो ये था कि अगर आप आटे का काम करें तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरे जो कारोबार समझाया ये भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इसके लिए आपको 4-5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट और एक सुजुकी होना लाजमी है, और साथ एक हेल्पिंग बॉय जो कि आटा लोड अनलोड करे, तो उसको भी आप जो है ना वो 200 या 300 रुपये पर डे दे दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 200-300 पर डे देने से, क्योंकि आपकी आमदन जो है ना लाखों में जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नए देखने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि मेरा चैनल जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही मौजूद बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।